विश्वापुरम नाम का एक गांव में सतीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसकी बेटी मायना के देखभाल के लिए उसने देविका से शादी कर ली। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। थोड़े दिन बाद देविका ने एक बेटी को जन्म दिया। मायना की सौतेली माँ उसकी देखभाल नहीं करती थी। वो हमेशा उसे भला बुरा कहती थी और बहुत यातनाएं देती थी। एक दिन मायना बहुत दुखी होकर सोचने लगी, माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? यहाँ सौतेली माँ मुझे बहुत बुरा भला कहती है, मारती है, यातनाएं देती है, कैसे रहूंगी माँ? एक दिन एक वकील उनके घर आया और वो कहने लगा, नमस्कार, क्या सतीश घर पे है? नहीं, वो काम से बाहर गए हैं, बताइए। मैं सतीश के सारे संपत्ति मायना के नाम पे कर दिया हूँ, उसके कागजात देने आया था। वकील ने सारा कागजात देविका के हाथ देकर वो वहाँ से चला गया। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, अगर उसने अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी को दे दिया है तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ? वो वहाँ से जाने ही वाली थी, इस बीच उसकी दोस्त माँ ही वहाँ पर आई। वो आकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे रुको रुको, मैं अपनी परेशानियों के बारे में क्या बताऊं? मेरे पति ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी मायना के नाम लिख दिया है, इस वजह से जा रही हूँ। अरे पागल लड़की, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम घर छोड़ के जा रही हो? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जब तक मायना 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक तुम और तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। और उसके बाद? हमें उससे पहले कुछ करना होगा। अरे क्या करूं? उसे मार डालो। क्या जान ले लूं? हाँ, तभी तुम्हें संपत्ति मिल सकता है, समझी? उसके बाद उसने उसके कान में कुछ कहा और चली गई। पर छत के ऊपर से एक शैतान ने ये सब कुछ सुन लिया। तुम मेरी बेटी को मारने के लिए साजिश रच रही हो, मैं देख लूंगी। उसके बाद देविका ने मायना को बुलाया, मायना यहाँ आना। फिर उसने दूध में जहर मिलाकर उसका इंतजार करने लगी। क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? दूध पी लो। ये सुनकर मायना ने अपनी माँ देविका से कहा, नहीं माँ, अभी मैंने खाना खाया है। तुम पियोगी या नहीं, बताओ? नहीं माँ, मैं पीना नहीं चाहती। देविका जोर जबरदस्ती मायना को दूध पिलाना चाहती थी। तभी शैतान मायना के अंदर घुस के प्रकट हो गए और ये देविका देखकर डर गई। तुम मेरे बेटी को मारने की साजिश रच रही हो, ये दूध तू भी पियो। उसको हाथ से धक्का दिया, फिर वो गिर गई और उसके हाथ टूट गए। शैतान देविका को उल्टे तरफ से लटका दी और पानी के बाल्टी में उसे चुबोड़ने लगी। क्या तुम फिर से करोगी ऐसा, बोलो? ये सुनकर देविका चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, मैं ये फिर से नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर मायना दौड़ के आई, माँ मैं आ गई। फिर शैतान वहां से गायब हो गई और देविका अचानक से जमीन पे गिर गई। क्या हुआ माँ? मैं बेहोश हो गई थी। बाद में देविका ने माही को बुलाया। माही कहाँ हो तुम? घर पर हूँ मैं। क्या जल्दी से यहाँ तुम आ सकती हो? फिर माही वहाँ आई। तुमने मुझे जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? देविका ने सब कुछ खुल के बताया। क्या इस जमाने में भी अभी कोई शैतान है क्या? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ऐसा क्या? अब उस शैतान का अंत देखो। उसके बाद वो मायना को रसोई घर ले जाके उसके ऊपर केरोसिन छिड़क दी। माँ कृपया मेरे साथ कुछ मत करो, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, आंटी माँ से बोलो ना मेरे साथ ऐसा ना करे। पर उन्होंने मायना की एक बात ना सुनी। माही ने माचिस जलाई और उसके ऊपर फेंक दिया। इस बीच शैतान आके वो माचिस पकड़ ली। क्या तुम अभी भी नहीं बदली हो? शैतान गुस्से से थालियों की तरफ देखने लगी और थालियां खुद ब खुद ऊपर से नीचे गिरने लगे।
अगर मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया तो तुम लोग मेरी बेटी की संपत्ति के लिए उसे मार डालोगे। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। केरोसिन का बोतल खुद ब खुद वहाँ आ गया और उसका ढक्कन भी खुद ब खुद खुल के उनके ऊपर छिड़कने लगे। इधर शैतान ने एक माचिस का तिल्ली लिया। कृपया हमें मत कुछ कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं मायना को अपनी सगी बेटी जैसी समझूंगी। उसने माफी मांगी पर शैतान गुस्से में थी और उसने माचिस की तिल्ली उस पर फेंक दिया। माँ! उसने माँ कहकर चिल्लाया। शैतान पलट के देखी। माँ कृपया उन्हें छोड़ दीजिए, उनके छोटे बच्चे हैं। अगर आप उन्हें मार डालेंगी तो उनके बच्चे भी मेरी तरह अनाथ हो जाएंगे। कृपया उनके बच्चों को अनाथ मत कीजिए माँ। शैतान के आंखों में आंसू आ गए और वे सोचने लगी। तुम लोगों ने देखा मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों के लिए कितना सोच रही है, पर तुम लोग संपत्ति के बारे में सोच रहे हो सिर्फ। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब कुछ नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही शैतान खुश हो गई और अपनी बेटी को गले लगाई। मैं जा रही हूँ, ये कहकर उसने मायरा से गले लगाया और वहाँ से अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से देविका मायना की देखभाल अपनी सगी बेटी जैसे करने लगी। एक गांव में तीन दोस्त थे, वासु, दास और कानन। वो हमेशा कोशिश करते थे सोने का खदान जमीन के नीचे से ढूंढ के निकालने का। बगल के गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी रानी महल नाम से। वो राजा के वक्त का था, इसीलिए हर कोई जमीन के नीचे खोद के सोने का खदान ढूंढने की कोशिश करता था वहां पे। एक दिन वासु और दास एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त। इतने चिंतित होकर क्या बात कर रहे हो तुम लोग दोनों? अरे कुछ नहीं, बगल के गांव में रानी महल है ना? हाँ सुना है, बहुत पुरानी हवेली है वहाँ पर। तो सुना है वो राजा का समय का है और वहाँ जमीन के नीचे छुपा हुआ धन भी है। अरे रुको रुको, एक बार दास हम लोगों को जंगल के नीचे सोने के खदान के बारे में बताया था, उस दिन पुलिस आकर हमें कितनी पिटाई की थी, भूल गए हो क्या? क्या कहते हो दास? उस दिन अगर पुलिस हमें नहीं पकड़ते तो आज हम मोटर गाड़ी में घूम रहे होते। छोड़ो वो सारी बातें, लेकिन रानी महल के जमीन के नीचे जिसने भी खोदा है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिला है। फिर तो हमें भी वहां जाना चाहिए। हमें भी किसी भी तरह से सोने का खदान ढूंढकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए, क्या कहते हो? फिर तो हमें कल ही जाना पड़ेगा, तुम सब तैयार रहना, ठीक है? दूसरे दिन कानन सारे जरूरतमंद चीजों को एक साथ बांध के बाइक पे बासु के घर के ओर रवाना हो गया, लेकिन बासु के घर के बाहर ताला लटका हुआ था। फिर उसने गाड़ी घुमाई और दास के घर पहुंच गया। दास, दास! दास जैसे ही निकला कानन ने कहा, क्या हुआ? आज हम सोचे थे ना उस हवेली में जाने के लिए। अरे सुबह से मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। पर बासु कहाँ है? उसके घर पे तो ताला लटका हुआ था। ऐसा है क्या? लगता है वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, इसीलिए तुमने ताला लटका हुआ देखा। पर हमने सोचा था ना उस घर में जाने के लिए। हम किसी और दिन जाएंगे, आज छोड़ो, तुम अभी घर जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ठीक है, बाय। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। अगर हम पूरा बोतल पी लेंगे तो हमें थोड़ी भी ठंड नहीं लगेगी। उसने अपने बैग से एक बोतल निकाली। मैं नहीं डरने वाला, अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे या नहीं जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले जाऊंगा। वो रानी महल पहुँच के वहाँ पर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया एक घर के अंदर। तब एक शैतान ये सब कुछ देख रही थी। ये लड़का बीच रात में यहाँ पर आया है, आखिर कर क्या रहा है? शैतान कानन के पास गई। कानन को कुछ आवाजें आने लगी, गल 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 जैसी। वो सोचने लगा, कौन है यहाँ पर? अचानक से वो आवाज बंद हो गई। उसके बाद कानन फिर से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जरूर ये लड़का आया है यहाँ का रहस्यमय खजाने को ढूंढने के लिए। उसने हजार बत्ती वाली बम लगाकर उसके बगल में छोड़ दिया आग लगा के। जब पटाखे फटने लगे उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके मुंह पर भी दाग लग जाते हैं। फिर कानन सोचने लगता है,
चाहे कुछ भी रुकावट आए, मैं अपना काम जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर फिर वो जमीन खोदना शुरू कर दिया। इसके अगल बगल पटाखे फूटने के बाद भी ये वहीं पे खड़ा है। शैतान ने अपने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़ा और फिर खोला। तुरंत तीर धनुष उसके हाथ में आ गए। फिर उसने तीर धनुष चला के कानन के पीछे छोड़ दी। हे भगवान बचाओ! ये कहकर वो चिल्ला के पीछे पलट के देखा, फिर धीरे धीरे उन सबको निकाला और मनी मन सोचने लगा, आय हाय कितना दर्द हो रहा है, ओहो। उन सबको वो एक एक करके निकाल के फेंका और फिर अपने काम में लग गया। मैंने इस इंसान को इतना कष्ट दिया फिर भी ये पलटा नहीं, अच्छा एक आइडिया है मुझे। फिर शैतान एक सोने के बॉल में बदल गई और जमीन के गड्ढे में घुस गई। कानन सोने के बॉल को देखकर कहा, अरे सोने का बॉल, आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, वाह वाह वाह। वो बॉल जैसे ही उठाने गया, वो बॉल आके उसके सर पे धड़ाम से लगा। हे भगवान मेरा सर फूट गया, हाय। उसने जब बॉल की तरफ देखा वो हवा में कूद रहा था और आके उसके सर पे जोरों से ठोकर मारा। अरे हे भगवान! ये कहकर वो जमीन पे गिर गया। कुछ देर के बाद वो देखा कि वो बॉल तभी भी कूद रहा था। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर वो एक छड़ी लिया और बॉल को बहुत जोरों से पीटा। दीवार पे जाके वो बॉल जोरों से टकराया, फिर उस बॉल से शैतान निकल आई। अरे मेरा पीठ टूट गया। उसके बाद कानन शैतान के पास गया और उसके गले को पकड़ के ऊपर हवा में लटका दिया। तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो? मैं इस घर की रानी हूँ। एक युद्ध के दौरान हमारे शत्रु ने हमें बहुत निर्दयता से मार दिया। आखिरी वक्त में रानी महल करके मैं बहुत चिल्लाई। उसके बाद से मैं यहाँ पर शैतान बन के रहती हूँ। इसका मतलब तुम्हें पता है वो गुप्त धन कहाँ है? यहाँ कोई गुप्त धन नहीं है, ना ही पैसे हैं, सब शत्रु चुरा के ले गए। मुझे ये सब कहानी मत सुनाओ, सच में बताओ गुप्त धन कहाँ है, बताओगी या नहीं? ये बोलकर उसने शैतान का गला पकड़ लिया और उसे बहुत मारा उसके सर पे। हे भगवान रुको रुको, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कहाँ है गुप्त धन बताओ? मैं बता रही हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर कानन ने उसे नीचे उतारा। कानन को एक कमरे में वो लेकर आई और उसे एक रास्ता दिखाई और वो शैतान कहने लगी, ये वही रास्ता है जहाँ तुम्हें सोना मिलेगा। कानन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर वो खोल नहीं पाया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देखकर शैतान बहुत हंसने लगी। क्यों हंस रही हो? बोलो कैसे खोल सकता हूँ इसे? तुम अकेले इसे नहीं खोल सकते, और दो इंसान चाहिए खोलने के लिए। ठीक है तो तुम फिर मेरे दो दोस्तों को यहाँ पर ले आओ, नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैं अभी जाके तुम्हारे दोस्तों को अपने साथ लेकर आती हूँ, रुको। उसके बाद शैतान वहाँ जाकर उसके दो दोस्तों को अपने साथ लेकर आती है। कानन उन लोगों के पास जाता है। अरे दोस्त! कानन को देखकर दोनों चिल्लाते हुए खड़े हो जाते हैं। अरे अरे चिल्लाओ नहीं, मैं कानन हूँ। हम कहाँ पर हैं? हम रानी महल में हैं। हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? रानी हम लोगों को यहाँ ले आई है। रानी कहाँ पे है? वो तो हमें कहीं नहीं दिख रही है। रानी एक बार तुम सभी को दर्शन दे दो अपना। शैतान उन सभी के सामने आके खड़ी हो गई। उसे देखकर दो दोस्त वहां से दोनों तरफ भागने लगे। अरे अरे डरो नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं करेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे फिल्मों में देखा है, शैतान इंसानों को मार के खा लेती है। दास रानी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी, वो हमारी दोस्त है। कैसी दोस्ती, वो भी शैतान के साथ? तुम पागल हो गया? नहीं नहीं मैं सच में कह रहा हूँ कि वो हमारी दोस्त है, विश्वास नहीं हो रहा है तो? रानी एक बोतल लेकर आओ तो मेरे पास। शैतान ने अपने हाथों से उठाकर एक भरा हुआ बोतल लाकर दी।
अरे ये तो सच है कि वो शैतान वही कर रही है जो तुम कह रहे हो। तुम दोनों यहाँ आओ। दोनों ही कानन के पास गए। यहाँ एक गुप्त खजाना है इस रास्ते के पीछे में। मैं उसे अकेले नहीं खोल पाऊंगा। हम तीनों मिलकर उसे खोल सकते हैं, तभी हमें वो गुप्त धन मिल पाएगा। तुम्हें कैसे पता वहाँ गुप्त धन है? हाँ, रानी ने मुझे बताया है। फिर देर किस बात की, चलो हम जाकर उसे खोलते हैं। फिर उन्होंने मिलकर उस दरवाजे को जाकर धक्का मारा और खोला। सभी चौंक गए उस गुप्त धन को देखकर और बहुत खुश भी हुए। फिर कानन कहने लगा, आज के बाद से मैं धनी हो गया हूँ। अचानक से कानन की आंखें खुली और वो देखा कि वो धड़ाम से नीचे गिर गया है। बिस्तर से नीचे गिरने के बाद वो सोचने लगा, हे भगवान, सपना कितना अच्छा होता है। अगर ये सच हो पाता, आहा कितना मजा आता।